आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक करता हूं और तमाम हिंदुस्तानी देशवासियों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से ये ईद का बहुत ही खुशियों का मौका है, इस ऐसे मौके पे हमें चाहिए कि हम उन सब लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें, गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को, सबकी मदद करें और सबको जो है अपनी खुशी में शामिल करें। असल खुशी वही होती है क्योंकि अल्लाह ताला ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना फरिश्ते कम न थे इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने हर मौके पर ये सीख दी है कि जो सदका खैरात जो भी दिया जाता है, इसके लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर हमारे हुजूर साहब ने रखा कि हर आदमी जो परेशान हाल है, जिसके पास वो सब चीज़ क्या नहीं आसाइश है, तो उसको जो लोगों के पास आसाइश है उनको ये हुक्म दिया गया है कि आप लोग उनकी मदद करो। और असल खुशी वही है जब हम किसी इंसान को, अल्लाह के किसी बंदे को अगर हम अपनी जात से खुशी पहुँचा सकें, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका होगा कि हम अपनी खुशी दूसरों को बांट सकें। मैं हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को, तमाम लोगों को मैं ईद की दिल से मुबारकबादी देता हूं। और जैसा कि हमारे तुफेल भाई ने बताया कि ये बहुत आदर और सम्मान का बहुत पवित्र महीना हमारा माना जाता है। इसकी कदर हमारे मुसलमान भाइयों के साथ साथ हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई जो भी हैं, पूरी दुनिया के लोग इस महीने का बहुत आदर सम्मान करते हैं। इस महीने में मुसलमान की बहुत आजमाइश रहती है। एक महीना अल्लाह की इबादत करना रहता है, गरीबों को, बेचार और मजलूमों की मदद करना रहता है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह रमज़ान महीने में हम लोग एक महीना दुनिया के अच्छा अच्छा काम करने का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, नमाज वज़ा करते हैं, उसी तरह पूरा साल के 12 महीना भी हम लोग उस पर अगर पाबंदी करें तो हमारे सब के लिए बहुत बेहतर रहेगा।